बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ईरान अमेरिका के ख़िलाफ़ बड़े बड़े काम कर रहा है। इस साल के आखिर तक ईरान अपना एटमी हथियार भी बना डालेगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ईरान और नॉर्थ कोरिया को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ बड़ी पाबंदियाँ भी लगाई हैं, जिसकी वजह से अगर अमेरिका ईरान पर हमला ना भी करे तो भी ईरान की इकोनॉमी की वजह से ईरान तबाह हो सकता है। नाज़रीन, क्या है ये मामलात, क्यों अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा भड़के हुए हैं? नाज़रीन, ईरान को लेकर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सारी तफसीलात। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल अरब न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान मिडल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बनकर सामने आ सकता है। अमेरिका ने दावा किया है कि इस साल के आखिर तक ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेगा। नॉर्थ कोरिया लगातार ईरान को मदद फ्राहम कर रहा है। आपको यहाँ बताते चलें कि ईरान के पास अभी भी बहुत ज़्यादा यूरेनियम मौजूद है और ये यूरेनियम इनरिच फॉर्म के अंदर मौजूद है, यानी बड़ी आसानी से अगर टेक्नोलॉजी के साथ इसको असेंबल किया जाए तो ये यूरेनियम ईरान के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। और ईरान के साइंसदान सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ही पीछे रह गए हैं। अब इतलात ये हैं कि नॉर्थ कोरिया और चाइना मिलकर ईरान को टेक्नोलॉजी फ्राहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान इस साल के आखिर तक अपने एटॉमिक हथियार बना डालेगा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते, इसराइल भी ये नहीं चाहता। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इसराइलियों को लगातार उकसा रहे हैं कि जहां भी ईरान का न्यूक्लियर हथियार मिले, न्यूक्लियर साइट मिले, वो जगह जहां पर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, इसको फौरी तौर पर उड़ा दिया जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि हाल ही में इसराइल ने अपने फाइटर जेट लालाकर ईरान की 4 से 5 मुख्तलिफ जगहों को हिट किया है। इसमें से 2 एटॉमिक साइट्स भी थीं। आपको बताते चलें कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के साथ साथ लंबी दूरी की मिसाइलें भी बना रहा है, ताकि ईरान अमेरिका और इसराइल दोनों के ऊपर बैक वक्त अटैक कर सके। नाज़रीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों ही अमेरिका की पाबंदियां झेल रहे हैं। दोनों ममालिक ही अमेरिका के खिलाफ हैं। अब दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इनके हाथ एटॉमिक वेपन आए और वो अमेरिका को हिट करें। इसी वजह से अमेरिका के इन हालात को देखते हुए नॉर्थ कोरिया और ईरान आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया और ईरान का ये गठजोड़ अमेरिका के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब ईरान के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अपना एटॉमिक वेपन बनाकर अमेरिका के ऊपर हमला करे, या फिर अमेरिका के साथ डायलॉग करके अपनी इकोनॉमी को बचा ले। आपको बताते चलें कि अमेरिका ने इतने सख्त किस्म की पाबंदियाँ ईरान के ऊपर लगाई हैं कि ईरान की जो करेंसी है वो 30% गियर आउट का शिकार हो चुकी है। ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी ख़राब है, इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लीजिए कि एक अमेरिकन डॉलर 42,105 ईरानी रियाल के बराबर हो चुका है। इससे पहले 2015 में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ सख्त की थी, जबकि अमेरिका का एक डॉलर 32,000 ईरानी रियाल को तब टच कर गया था। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान की डायरेक्ट अगर वार नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमिक सेशंस लगाकर ईरान को तबाह करेंगे, लेकिन ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका की पाबंदियां और गुस्सा झेल रहा है, साथ साथ अपना बहुत सारा रुपया पैसा इन हथियारों की ओर में लगा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की पूरी वीडियो। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह।